फ्रेंड्स, एमपी नीट काउंसलिंग 2020 फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद क्या गया कट ऑफ, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को किस मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन मिला, कैटेगरी वाइज लास्ट रैंक किस रैंक होल्डर को अलॉट हुआ और मार्क्स कितने थे उस रैंक होल्डर के, 2021 एस्पिरेंट्स जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एमपी के कट ऑफ को, एमपी के स्टूडेंट्स के जो हैं उनको ये कट ऑफ जाना बहुत ज़रूरी है, 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो डिस्कशन करेंगे एमपी का जो स्टेट काउंसलिंग हुआ था 2020 का फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, उसमें कैटेगरी वाइज लास्ट अलॉटमेंट किस रैंक पर हुआ, कौन सा कॉलेज मिला और जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ये दोनों कॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। यू प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी कवि। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं एमपी नीट काउंसलिंग 2020 के फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद लास्ट कट ऑफ कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कितना गया, उसकी पूरी डिटेल इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड, स्टार्टिंग विद द वीडियो, ये कंप्लीट लिस्ट है एमपी में जो काउंसलिंग हुई है 2020 की फर्स्ट और सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के बाद जो ऑफिशियल डेटा रिलीज किया गया है काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सारे कॉलेजेस की शो की गई है। आप कभी भी जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो काउंसलिंग के लिए ऑथराइज्ड है, वहाँ पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में कट ऑफ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉलेजेस आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है और किस कैटेगरी का मिनिमम क्या स्कोर गया है, इसके लिए फ्रेंड्स हमने इस फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर रखा है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसमें सारे कॉलेजेस का दिया हुआ है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, एमबीबीएस प्लस पीडीएस, राइट। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे एमबीबीएस की, इस वजह से हमने यहाँ पे बीडीएस को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, सिर्फ एमबीबीएस को शॉर्टलिस्ट कर रखा है। और उस केस में पहले बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट की और उसके बाद प्राइवेट की। गवर्नमेंट के लिए फ्रेंड्स एक फाइल हमने आप लोगों के लिए बना रखी है और प्राइवेट के लिए बना रखी है। और इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, देन फ्रेंड्स गवर्नमेंट में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए मार्क्स सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहडोल 560 क्लोजिंग स्कोर, रैंक है 42,080। ओबीसी ओपन के लिए ये है 555 और रैंक है 45,276। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए 555 गया है, 45,632 रैंक। और अनरिजर्व सैनिक ओपन कैटेगरी, इसमें अगर देखें तो बात करें 548 और जो रैंक गया है वो 50,071। ईडब्ल्यूएस सैनिक में ये गया है 547, 50,730 रैंक होल्डर को, राइट। ओबीसी पे ये गया है 543 सैनिक में, 53,457 रैंक होल्डर को। नॉर्मल एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, देन एससी 425 मार्क्स, 157,547। एसटी की वहीं पे अगर हम बात करें नॉर्मल, देन 301 नंबर मिनिमम ये स्कोर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में एडमिशन हुआ है। एससी सैनिक की अगर हम बात करें, 284 गया है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें, देन फ्रेंड्स मार्क्स गया है 200, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों जो मार्क्स हैं वो 200 है और रैंक गया है 525,601। ओबीसी पीएच कैटेगरी की अगर हम बात करें, देन 185, 563,635। अनरिजर्व पीएच में ये मार्क्स गया है 139, ये मिनिमम मार्क्स हैं ओबीसी फ्रीडम फाइटर के लिए। ये जो मार्क्स क्या है मिनिमम यानी क्लोजिंग स्कोर, ये है 114, यानी 114 प्लस इसके ऊपर जो भी स्कोर होल्डर थे इस कैटेगरी में उनको एमपी में एडमिशन मिल गया है। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है फ्रेंड्स। ये जो लिस्ट है ये आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने प्रिपेयर किया है। पीडीएफ फाइल आप कभी भी एमपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की, वहाँ पे जाके आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। शो करता है लगभग सारे स्टेट शो करते हैं कि क्या क्लोजिंग रैंक रही कुछ स्टेट को छोड़ के, राइट। 2021 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो फिर आपके लिए ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर एमपी से बिलोंग करते हैं। खैर, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात होगी, लेकिन अगर हम बात कहीं प्राइवेट की करें, देन फ्रेंड प्राइवेट का जो मिनिमम कट ऑफ है ये गया है 126 एसटी केस के लिए, राइट। एससी केस के लिए ये गया है 343, रैंक था 257,495। ओबीसी के लिए गया है 485 और अनरिजर्व के लिए ये मार गया है मिनिमम 489 यानी 489 और स्कोर जो गया है वो है 96,033 यानी 96,033 और इससे पहले के जो रैंक होल्डर हैं एमपी के
जिनका कि डोमिसाइल एमपी का है और उन्होंने एमपी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, नो डाउट कि उनको कॉलेज मिल गया है 2020 में। ये कॉलेज का नाम है जहाँ पर मिनिमम कट ऑफ गया है, इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं सब में एक हाई कट ऑफ गया है, और उन सब की लिस्ट अगर आप देखना चाहेंगे फ्रेंड्स वो अवेलेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बार शो कर देता हूँ इसको। यहाँ पर प्राइवेट को जैसे आप शॉर्टलिस्ट करेंगे ये कंप्लीट डिटेल है, और यहाँ पर प्राइवेट की सारे कॉलेजेस के नाम है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, आरडी गार्डी, श्री अरविंदो, आरकेडीएफ, महावीर इंस्टीट्यूट, अमलतास, एलएन, पीपल्स, जितने भी, चिरावी मेडिकल कॉलेज, तो जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें हर एक कैटेगरी की जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है ये शो है यहाँ पे। हमने आपके साथ डिस्कशन किया है कि जो मिनिमम कट ऑफ गया है इन सारे कैटेगरीज़ का, एमपी में प्राइवेट में यही सारी कैटेगरीज़ यूज़ होती हैं एडमिशन के लिए, यूपी में हालांकि सारे कैटेगरीज़ को जनरल की तरह पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन एमपी में जो डोमिसाइल है वहाँ के वहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट में भी उस केस में जो मार्क्स गया है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर जो स्टार्टिंग में शो हो रहा था उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2021 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो से आप इस डेटा को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर डिसिप्लिन के लिए आप इसको कहीं पर नोट करके भी रख सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है देन फ्रेंड्स आप नंबर सेव कर रख सकते हैं जो स्टार्टिंग में वीडियो के ओपन में स्टार्ट हुआ था, उस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद 2021 में आप किसी भी हेल्प के लिए हमारे एक्सपर्ट टीम से कोई भी सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपलोड करेंगे महाराष्ट्र का और प्लस KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, इसमें क्या कट ऑफ गया था डिफरेंट कैटेगरी का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020 और 2021 को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग, थैंक्स अ लॉट।